हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस की वर्कशीट कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पर संविधान निर्माण पर आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 12। तो ये वर्कशीट है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा जो संविधान है भारतीय संविधान जो है उसके बुनियादी मूल्य क्या हैं क्या ऐसे बुनियादी मूल हैं जिनपे बेस्ड हमारा संविधान बना है तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर वर्कशीट हमें बताने की कोशिश कर रही है कि सिचुएशन की हमारे संविधान की फिलॉसफी क्या है जब हम अपने संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन किन मूल्यों पर किस दर्शन पर बेस्ड है जिससे उसका निर्माण हुआ है सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद सम बेसिक वैल्यूज विच इज नोन एज द प्रीएम्बल। तो जब हमने कहा प्रीएम्बल प्रस्तावना तो क्वेश्चन उठता है कि ये होता क्या है प्रीएम्बल और प्रस्तावना होता क्या है तो भारत के संविधान की शुरुआत में ही एक पेज है जिस पर उसके बुनियादी मूल्य जो है वो लिखे गए हैं उसी को प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं तो प्रीएम्बल दर्शाता है प्रीएम्बल का क्या यूज है प्रीएम्बल दर्शाता है कि एक कंट्री में एक देश में उसके जो नागरिक हैं वो किन किन वैल्यूज में बिलीफ रखते हैं वो किन किन मूल्यों को मानते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं और उसी पे बेस्ड उस वो कॉन्स्टिट्यूशन भी उस देश का होगा उसी को प्रियाम्बल कहते हैं तो आइए अब चलते हैं गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर भारतीय संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं तो कौन से ऐसे बुनियादी मूल्य हैं गाइडिंग वैल्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहला यहां से शुरुआत करते हैं फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी मतलब बंधुता मतलब भाईचारा इसका मतलब है ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर मेंबर्स ऑफ़ द सेम फैमिली तो हमें आपस में एक दूसरे से इस तरह से व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम सब एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं और हमें आपस में भाईचारा बनाकर रखना चाहिए दूसरी वैल्यू है इक्वालिटी इक्वालिटी का मतलब समानता तो इसका मतलब ये है कि देश के जो कानून है देश का जो कानून है उसके सामने सभी नागरिक सभी सिटीजन्स समान होंगे ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ तो हमारी जो सोशल इनइॉलिटीज हैं चाहे वो पैसे के बेसिस पर हो चाहे वो कास्ट के बेसिस हो पे हो किसी भी बेसिस पर अगर हम हम में जो नागरिकों में असमानता है जो सामाजिक असमानता है वो हमें खत्म करनी है और साथ ही गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है सरकार को ये इंश्योर करना है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। फिर तीसरा हमारी वैल्यू है लिबर्टी जिसका मतलब है स्वतंत्रता सो देर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन द वे विश टू फॉलो अप देर थॉट्स इन एक्शन तो देश के नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है तो कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है हम पर हमें कोई भी इलॉजिकल रीजन नहीं है हमें हम पर कि हम अपने विचार आ, किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते ऐसा नहीं है तो हमें यह स्वतंत्रता है कि हम जिसमें बिलीव रखते हैं हम वो बात कहें और उसे अपने एक्शंस में फॉलो भी करें साथ ही एक और गाइडिंग वैल्यू है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस सो सिटी कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट रिलीजन और जेंडर तो ये एक और वैल्यू है न्याय की न्याय की बुनियादी मूल्य है ये जिसमें किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति धर्म या लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि आप इस धर्म को बिलोंग करते हैं या क्योंकि आप अः uh, लड़का है या लड़की है या क्योंकि आप इस कास्ट को बिलोंग करते हैं तो इसलिए आपको ये अलाउड नहीं है या आप पे किसी भी इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं किया जा सकता है फिर हमारी अगली वैल्यू है रिपब्लिक रिपब्लिक मतलब गणराज्य द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजिशन तो जो हमारे देश में जो शासन का जो प्रमुख होगा जो हमारे देश पर शासन करेगा वो लोगों द्वारा ही चुना जाएगा ऐसा नहीं होगा कि किसी वंश में या किसी खानदान से किसी को लिया जाएगा इसीलिए वो आ, शासन करने लगेगा ऐसा नहीं होगा लोग ही डेमोक्रेसी के थ्रू उसे चूज करेंगे तो अगली वैल्यू हमारी आ जाती है डेमोक्रेटिक वैल्यू डेमोक्रेसी ये डेमोक्रेसी क्या होती है तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पोलिटिकल राइट्स इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल तो लोकतंत्रात्मकता ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां लोग ए, लोग इक्वल इक्वल पॉलिटिकल राइट्स करते हैं, मतलब कि वहाँ पर सभी को समान अधिकार होते हैं वहां लोग अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं तो जो शासक चुने गए हैं जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए हैं वो नागरिकों के प्रति जवाब दिए हैं तो वो नागरिकों के लिए अकाउंटेबल हैं तो नागरिक उनसे पूछ सकते हैं कि हमने आपको यहाँ पर चुना था और आप हमने ये आपने ये वादा किया था कि हम जब यहाँ इस पोजीशन पर आएंगे शासन करेंगे तो हम आपको ये सब दिलवाएंगे तो ऐसे में नागरिक उनसे पूछ सकते हैं कि आपने यह दिलवाया है या ये क्यों नहीं दिलवाया है तो अब अगली वैल्यू पे चलते हैं वो है सिक्योलर सिक्योलर मतलब पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता ट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन एंड ऑल्सो देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन तो हमारे देश में कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है एक ऑफिशियल धर्म नहीं है किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है और साथ ही सभी धर्मों को समान माना गया है ऐसा नहीं है हमारे देश में कि एक धर्म किसी और धर्म के ऊपर हो या नीचे हो तो इसीलिए हमारे धर्म हमारे देश में सभी धर्म धर्मों को समान दर्जा दिया गया है अब अगली वैल्यू है सोशलिस्ट जो है समाजवाद सो गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइालिटीज तो समाज में समाज में जो आर्थिक असमानताएं हैं जो क्लास स्ट्रक्चर समा, समाज में बना हुआ है कि कोई अमीर है कोई गरीब है तो इस इसको खत्म करने के लिए सरकार ऐसे कानून बनाए कि जो जमीन और जायदाद और उद्योग धंधों से रिलेटेड सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे समाज में जो आर्थिक असमानताएं हैं वो कम हो जाए फिर अगली है सोवरेन सोवेरन मतलब प्रभुत्व संपन्न तो इसका मतलब है इंडिया हैज सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स तो भारत अपनी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है कोई भी बाहरी शक्ति उसके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती सो इंडिया इज अ सॉवरन स्टेट वो अपने फैसले खुद लेगा और कहीं से भी कोई भी बाहर से आकर इसको रूल नहीं कर सकता है तो ये है हमारी वर्कशीट आज की ये वर्कशीट कॉन्स्टिट्यूशन पर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है आइए अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं और फिर इन क्वेश्चन को देखने के बाद हम आपको इन क्वेश्चन के सैंपल आंसर्स भी दिखा देंगे और अगर आपको किसी आंसर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं तो इसका उत्तर हम समझा चुके हैं आपको पहले ही संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल वो है जो संविधान की वैल्यूज को दर्शाता है एक कंट्री हमारी हमारा जो देश है वो किन वैल्यूज को किस फिलॉसफी को बिलीव करता है उस कंट्री का क्या उस देश का क्या दर्शन है प्रीएम्बल वो दर्शाता है सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं इसका आंसर भी यहीं पर है बाद में हम सैम्पल आंसर भी आपको देंगे पर यहाँ वर्कशीट में दिखा देती हूँ इसका आंसर भी यहीं पर है ये सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेर पीपल इंजॉय इक्वल पोलिटिकल राइट्स इलेक्ट देर रूलर एंड होल्ड अकाउंटेबल हिंदी की वर्कशीट में भी यहां पर यह आंसर दिया हुआ है ऐसी शासन व्यवस्था जहां लोग अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ बेसिक वैल्यूज इन फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है तो ये जो सारी हमने अभी बुनियादी मूल्य के बारे में बात की है इन सब का क्या महत्व है तो इन सब का सबसे पहला सबसे मेन महत्व तो यही है क्योंकि ये गाइडिंग वैल्यूज हैं, तो हम एक देश को और उसके संविधान को और उसके नागरिकों को एक रास्ता मिल जाता है तो ये गाइडिंग ये जो बेसिक वैल्यूज हैं एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करती हैं तो ये एक मार्गदर्शक बनती हैं देश के लिए देश के संविधान के लिए और देश के नागरिकों के लिए बाकी डिटेल्ड आंसर हम आपको सैंपल आंसर में दिखा देंगे अब क्वेश्चन फोर है वाई इज इंडिया कॉल्ड अ अक्यूलर स्टेट भारत धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है अगेन वो इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है और देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है तो ये आंसर भी यहीं पर है अगेन हम सैम्पल आंसर आपको जरूर दिखाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रैक्टिस द गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन योर डे टू डे लाइफ आप अपने जीवन में भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को किस प्रकार दैनिक व्यवहार में लाएंगे ये आपको बताना है तो हमने इसका भी एक सैम्पल आंसर दिया है लेकिन ये क्योंकि पर्सनल क्वेश्चन है तो आप अपना आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो गाइडिंग वैल्यूज है हमने अभी जो जिन वैल्यूज की बात की है फ्रटर्निटी सोवेनिटी सोशलिज्म सिक्यूलरिज्म डेमोक्रेसी पब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी ये सारी जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को आप अपने जीवन में आप दैनिक अपनी दिनचर्या में कैसे फॉलो करेंगे ये आपको यहाँ पर लिखना है तो आइए अब सैंपल आंसर्स देख लेते हैं ये दोनों ही भाषा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको हम सैंपल आंसर्स दिखा रहे हैं फिर इस वर्कशीट के बाद हम चलते हैं इंग्लिश की वर्कशीट की तरफ तो आइए स्टूडेंट्स आज अब हम इंग्लिश की वर्कशीट कर लेते हैं क्लास नाइन्थ की वर्कशीट नंबर ट्वेल्व पहला क्वेश्चन यहाँ पर है रीड द क्वेश्चन इटली इट इज फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स इट्स आर्किटेक्चर एंड इट्स आर्ट वर्क द नेम इज डिराव फ्रॉम द एंशियंट विनिटी पीपल हु इनहेबिटेड द रीजन लॉन्ग अगो इसका मतलब है कि वेनिस जो है वो नॉर्दर्न इटली एक कंट्री uh, है उसकी एक सिटी है वो किस किस चीज के लिए बहुत जानी जाती है वो उसकी जो सेटिंग्स है वहां पर जो जगह है वो बहुत ब्यूटीफुल है उसके जो आर्किटेक्चर है बिल्डिंग्स का वो बहुत ब्यूटीफुल है और जो वहां पर आर्ट वर्क्स है जो पेंटिंग्स है इन सब चीजों के लिए वेनिस जानी जाती है द नेम इज डिराइव फ्रॉम द एंशंट वेनेटी पीपल तो वेनिस का जो नाम है वो कहाँ से आया है वो वहां के जो लोग हैं उनको वेनेटी बोलते थे वहां से वो, वो नेम वेनिस आया है एंशियन मतलब बहुत पुराने जो पुराने लोग थे वहां पर उन उस, उससे ये नेम आया है जो वहां पर रहते थे हु इनहेबिटेड इनहेबिटेड मतलब जो वहां रहते थे तो इस पैसेज पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो है द वर्ड दैट हैज सेम मीनिंग एज फेमस इन द पैसेज इज तो जो वर्ड जिसका मतलब है फेमस इस पैसेज में ऐसा वर्ड जिसका मतलब है फेमस वो आपको टिक करना है तो पहला ऑप्शन है एंशियन एंशियन का मतलब है होता है बहुत ही पुराना बी रिनाउंड जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया रिनाउंड का मतलब होता है बहुत जाने जाते हैं और सी इनहेबिटेड जो रहते थे वहां पर तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन बी रिनाउंड जाना जाना मतलब फेमस सो वेनिस इज एक्चुअली फेमस फॉर द ब्यूटी ऑफ इट आर्किटेक्चर एंड आर्टवर्क तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अब दूसरे दूसरेज uh, पे चलते हैं पैसेज बी वॉलनट इज अ ड्राई फ्रूट दैट प्रोजेसेज वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ क्योरिंग ब्रेन वीकनेस इट हैज फॉस्फरिक एलिमेंट विच नरिशेज द वाइटल टिश्यूज ऑफ द बॉडी इट्स कंजम्शन हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द डिजीजेज ओरिजिनेटिंग फ्राम नर्वस डिसऑर्डर्स तो वॉलट वॉलट मतलब अखरोट एक ड्राई फ्रूट है जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटीज हैं ऑफ क्योरिंग ब्रेन वीकनेस सो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी वीक इश्यूज uh, हैं वो वॉलट क्योर कर देता है उसमें फॉस्फोरिक नाम का एक एलिमेंट होता है जो हमारे बॉडी uh, के वाइटल टिश्यूज हैं उनको नरिश करता है और वॉलट खाने से अखरोट खाने से हमारे क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है इट डिस्ट्रॉयज द डिजीजेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर तो अगर कोई नर्वस डिसऑर्डर होता है हमारे नर्वस सिस्टम में कोई अगर डिसऑर्डर होता है उससे जो डिजी डिजीजेज आती हैं वो डिस्ट्रॉय करता है अखरोट तो इसके इस पे बेस्ड क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सेंटेंस आपको दिया हुआ है वॉलट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय तो बस आपको यहाँ पर देखना है कि ये डिस्ट्रॉय कहाँ पर वर्ड है तो इस पैसेज में डिस्ट्रॉय वर्ड है यहां पर तो वॉलनट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय अब आगे जो सेंटेंस है वही आपको यहां पर लिखना है और आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा वॉलनट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द डिजीजेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर्स तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है अब आगे चलते हैं आगे है चूज द करेक्ट आर्टिकल ये आपका मेन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना है और किस से ब्लैंक फिल करना है आपको करेक्ट आर्टिकल से ब्लैंक फिल करना है अब आर्टिकल क्या होता है आर्टिकल होता है ए एन द तो ये तीन आर्टिकल्स होते हैं तो जो वर्ड्स के शुरू में कोई वाल साउंड आ रही होती है जैसे अ आ, आ ए, ए, ओ, उ, ये वाल साउंड है तो जिन वर्ड्स से के शुरुआत में ऐसी साउंड आ रही होती है तो उन वर्ड्स से पहले हम लगाते हैं एन और जिन शब्दों से पहले आपको कॉन्सोनेंट साउंड आ रही होती है तो ये वाल साउंड के अलावा जितनी भी साउंड है उन्हें कहते हैं तो ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत में आ रही है उससे पहले लगता है ए ओके तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि साउंड पे आपको फोकस करना है तो फॉर एग्जांपल वर्ड है जैसे आर आर एच यू एच ओ यू आर आर तो लाइक आर लोंग सम आर लॉन्ग तो अब जो आर है उसमें आ की साउंड आ रही है एच साइलेंट है तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं एन आर लॉन्ग आई वॉज देर फॉर एन आर ओके तो इस तरह से आपको साउंड पे फोकस करना है लेटर्स पे ज्यादा ध्यान ना दे साउंड पे फोकस दें करें तो आपको बोलकर यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा आर्टिकल फिट बैठेगा अब ये तो हुई ए और एन की बात अब द कहाँ लगता है तो जब आपको किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करनी हो तब आप द लगाएंगे जैसे कि द ताजमहल वहीं पर अगर आप कहीं पे थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं जैसे कि गुड बेटर बेस्ट तो जो बेस्ट वर्ड है वो सुपरलेटिव डिग्री है तो वहां पर आप द बेस्ट लिखेंगे ओके सो सुपरलेटिव डिग्री में आप द लगाएंगे तो आइए अब इस पे इस बेस्ड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन है माय विद्यालय इज डैश बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल इन डेली यहां इन भी आना चाहिए इन डेली यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ऑप्शन ए है ए ऑप्शन बी है एन ऑप्शन सी है द ऑप्शन डी है नो आर्टिकल रिक्वायर्ड कोई आर्टिकल चाहिए ही नहीं तो जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं आपको खुद ही यहां पर लगता है जैसा मैंने अभी आपको कहा था बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है तो आप सेंटेंस पढ़ते हुए खुद ही आपके मुंह से निकल आता है माय विद्यालय इज द बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली तो ऑप्शन सी द यहां पर करेक्ट हो जाता है अब चलते हैं क्वेश्चन फोर पर माय मदर गेव मी डैश फिफ्टी रुपी नोट टू फेच मिल्क पैकेट फ्रॉम मदर डेयरी बूथ यहां डेयरी की स्पेलिंग गलत है ये डायरी लिखा हुआ है तो आप ठीक से पढ़िएगा मदर डेयरी बूथ तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन ए है ए ऑप्शन बी है एंड सी है द डी है नो आर्टिकल रिक्वायर्ड तो आपकी मदर ने आपको एक पचास रुपए का नोट दिया अब देखिए जैसे ही मैंने कहा एक पचास रुपए का नोट मतलब कि आपको यहाँ पर आर्टिकल लगाना ही लगाना है क्योंकि आप बताना चाह रहे हैं कि भाई कितने नोट है ऐसा नहीं है कि बस ही रैंडम बस नोट दिया तो अब फिफ्टी रुपी नोट गौर कीजिएगा कि मैंने कहा फिफ्टी पहला साउंड क्या आ रहा है यहां पर आ रहा है फ फ साउंड आ रहा है फ क्योंकि एक वाल साउंड नहीं है वाल साउंड होता है ए ए e, तो वाल साउंड नहीं है तो इसलिए यहां पर आ जाएगा ए माई मदर गेव मी अ फिफ्टी रुपी नोट तो यहाँ ऑप्शन ए ए जो है वो चूज करेंगे आप फिर क्वेश्चन फाइव आ जाते हैं आई एंजॉय डूइंग डैश इंग्लिश वर्कशीट्स लास्ट वीक अब इस सेंटेंस को अगर आप पढ़े तो आई एंजॉय डूइंग अ इंग्लिश वर्कशीट नहीं वो ठीक नहीं है क्योंकि ई है इंग्लिश आई एंजॉय डूइंग एन इंग्लिश वर्कशीट अब देखिए वर्कशीट प्लूरल है तो एन तो एक चीज के लिए यूज होता है तो इसलिए एन भी यहाँ पर यूज नहीं होगा भले ही यहाँ पर ई साउंड है बट फिर भी worksheets प्लूरल है और एन यूज होता है सिंगुलर चीजों के आगे तो यहाँ पर एन नहीं आएगा अब ऑप्शन सी है आई एंजॉय डूइंग द इंग्लिश वर्कशीट लास्ट वीक अब कौन सी स्पेसिफिक इंग्लिश वर्कशीट की बात कर रहे हैं वो आप यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि अगेन वर्कशीट्स तो प्लूरल है तो आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कौन सी स्पेसिफिक वर्कशीट की बात हो रही है अब देख लेते हैं क्या इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी सही है एक बार सेंटेंस पढ़कर देखते हैं आई enjoyed डूइंग इंग्लिश worksheets लास्ट वीक हाँ ये ठीक साउंड कर रहा है तो इसमें कोई जनरलाइजेशन नहीं नहीं है, ये नहीं है ये स्पेसिफिकेशन कि ये वाली वर्कशीट और ना ही ये सिंगुलर है जो हम ए या एन लगाए तो इसलिए यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नो आर्टिकल रिक्वायर्ड आई एंजॉय डूइंग इंग्लिश worksheets लास्ट वीक अब आ जाते हैं क्वेश्चन सिक्स पर एवरी ईयर द स्कूल ऑर्गेनाइजे डैश एनुअल फंक्शन हर साल हमारा स्कूल एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है तो जैसे ही मैंने ये सेंटेंस पढ़ा आपको यहाँ पर आइडिया हो जाना चाहिए मैंने कहा एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है तो एक ऑर्गेनाइज कर रहा है और यहाँ पर साउंड है ए एनुअल ए पहली साउंड ए है तो यहाँ पर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी एन एवरी ईयर द स्कूल ऑर्गेनाइजेज एन एनुअल फंक्शन अब आते हैं क्वेश्चन सेवन राशीज ब्रदर इज डैश एम बी ए स्टूडेंट अब ये ध्यान से देखिएगा राशिज ब्रदर एक एम बी ए स्टूडेंट है तो एक है पहली बात तो अब तो इसका मतलब हमें समझ आ गया कि हम आर्टिकल तो हमें यूज करना पड़ेगा अब कोई एक स्पेसिफिक स्टूडेंट नहीं है यहाँ पर एम बी ए स्पेसिफिक स्टूडेंट द यहाँ ऑकवर्ड लग रहा है तो द तो, तो यूज नहीं होगा अब एम बी ए लिखा हुआ है यहाँ पर एम देखे तो एक कॉन्सोनेंट है इसलिए मैंने कहा कि लेटर पे नहीं साउंड पे ध्यान दे एम देखने में तो एक लेटर है एक कॉन्सोनेंट है लेकिन जैसे ही मैं बोलती हूँ राशिज ब्रदर इज अम बी ए स्टूडेंट कुछ ऑकवर्ड है क्यों क्योंकि एम बी ए साउंड पे ध्यान दीजिए म आने से पहले भी एक ए है तो एम बी ए स्टूडेंट तो वो जो ए है उसकी वजह से यहां पर ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन बी राशीज ब्रदर इज एन एम बी ए स्टूडेंट तो ये ऑप्शन बी आ जाता है आपका यहां पर चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन है आपका रिपोर्टेड स्पीच पर तो अगर आपको याद हो तो हमने पिछली बार रिपोर्टेड uh, स्पीच किया था उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है उसकी एक तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये अब रिपोर्टेड स्पीच में आपको पिछली बार बताया गया था कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास टेंस में होती है तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर इजीली अपना आंसर लिख सकते हैं तो पहला क्वेश्चन है रोहन सेड दैट यहां पर रोहन ने क्या कहा है आई हैव नॉट मेट माई क्लासमेट्स इन द न्यू सेशन। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि रिपोर्टेड स्पीच में आई चेंज हो जाएगा ही में क्योंकि रोहन यहाँ एक मेल है, have जो है अपने पास टेंस हैड में चेंज हो जाएगा तो हमें ऑप्शन में ही और हैड ढूंढना है बाकी हमारा सेंटेंस सेम रहेगा तो ऑप्शन ए है ही हैड नॉट मेट हिज क्लासमेट इन द न्यू सेशन अगर मैं बाकी ऑप्शन देखू ही हैज ही हैव ही हैज अगेन ये बी सी और डी प्रेजेंट टेंस में है तो ये ठीक नहीं है ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन है क्यों क्योंकि ये पास्ट टेंस में है सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में चलते हैं क्वेश्चन नाइन पर रोहिणी यहाँ पर कह रही है वो बोल रही है आई होप टू मीट एवरी वन सून तो अगेन ध्यान दीजिएगा सिंपल प्रेजेंट में ये सेंटेंस है तो इसको जब रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे तो ये सिंपल पास्ट में बन जाएगा तो यहां पर है रोहिणी सेट दैट शी होप्ड अब रोहिणी है लड़की है तो शी हो जाएगा आई यहां पर शी हो गया है होप अपनी पासटेंस फॉर्म में चला जाएगा उसकी पास फॉर्म होगी होप्ड तो हमें ढूंढना है शी होप्ड टू मीट एवरी वन सून तो ये पहला सेंटेंस ही यह आ जाता है शी होप्ड टू मीट एवरी वन सून बाकी में देखिए शी होप्स प्रेजेंट है ही इज ऑफकोर्स ये गलत है क्योंकि रोहिणी तो शी है फिर शी हैज होप्ड अगेन ये प्रेजेंट में है तो ये इनकरेक्ट है तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए ही सही ऑप्शन है फिर रोहन क्या कह रहा है हाउ एवर आई लव डूइंग द ऑनलाइन वर्कशीट एवरी वीक तो अगेन आई चेंज होगा ही में क्योंकि रोहन एक लड़का है लव अब यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो अपने सिंपल पास टेंस में चेंज होगा हो जाएगा लव्ड तो so, अब यहाँ पर सेंटेंस देख लेते हैं रोहन सेट दैट ही हैड डूइंग अब ये सेंटेंस ही गलत है ही हैड बीन डूइंग होना चाहिए था और हमें क्योंकि सिंपल पास्ट में करना है और हैड आते ही तो परफेक्ट हो जाता है तो इसलिए ये गलत है ही हैज़ डन अगेन ये प्रेजेंट में है और प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए गलत है यहाँ यूज नहीं होगा ही लव डूइंग अब यहाँ पर इन्होंने ही तो चेंज कर दिया लेकिन लव को इन्होंने पास्ट टेंस में चेंज नहीं किया तो इसलिए ये सेंटेंस भी गलत है तो फाइनली करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर है ही loved डूइंग द ऑनलाइन वर्कशीट एवरी वीक ये आपका करेक्ट ऑप्शन है तो उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई हो अगर आपको ये वर्कशीट में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछिए और अगर ये वर्कशीट का सोल्यूशन आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो जरूर इस चैनल को लाइक like और सब्सक्राइब कीजिए साथ ही आप बेल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करें तो आपको इमिडिएटली पता चल जाए "Thank you,"